नमस्कार, एस7 न्यूज नेटवर्क पे आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। मेट्रो जैसी मिलेंगी सुविधाएं, अब अपना रायबली भी चमकेगा लखनऊ की तरह। जी हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य राजधानी क्षेत्र की घोषणा के बाद लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। जी हाँ, SCR मतलब अब आपको वो भी सहूलियतें मिल पाएंगी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को भी इसमें शामिल करा है। इसके तहत लोगों को वो सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी जो कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिल पाती थी। हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SCR के जरिए रायबरेली को भी इसमें लाने का फैसला किया है, जिसके तहत लोगों को वो सहूलियतें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती रहती थी। हम आपको बताते चले कि इसमें प्रमुख रूप से मेट्रो सिटीज के समान सुविधाएं मिलने से शहर भी राजधानी लखनऊ जैसा बन सकेगा। राजधानी लखनऊ क्षेत्र में SCR के गठन को मिली हरी झंडी के बाद अब रायबरेली को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। इसके तहत खासकर मेट्रो बाईपास, ओवरब्रिज आदि के हाईटेक सुविधाएं मिलने से रोजगार भी बढ़ पाएंगे। दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन NCR के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने NCR की तर्ज पर अब राजधानी से सटे जिलों को भी, सीमाओं को भी स्टेट कैपिटल रीजन SCR के तहत विकसित करने की कार्य योजना पर सहमति जताई है। इसमें रायबरेली जिले को भी शामिल किया गया है। SCR के गठन के बाद लखनऊ में उपलब्ध हाईटेक सुविधाओं का लाभ इन जिलों के लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका पूरा खाका कार्य योजना तैयार हो जाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जिले का कितना हिस्सा SCR में शामिल होगा, लेकिन इससे जिले को जन उपयोग से जुड़ी जनसंख्या से इससे जिले को जन उपयोग से जुड़ी सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलना तय हो गया है। जिले के बछरावा, शिवगढ़, हरचपुर के साथ ही रायबरेली शहर के भी SCR में शामिल हो जाने की उम्मीद है। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी राजधानी क्षेत्र SCR का ऐलान हकीकत में बदलता है तो न सिर्फ इससे शहर की तस्वीर बदलेगी बल्कि रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। पानी, बिजली के साथ साथ सड़कों का ढांचा भी ठीक होगा। इसे लेकर लोगों के चेहरे पर खुशी है। शहरवासियों को आशा है कि यह सपना अब हकीकत में भी बदलेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन की घोषणा के बाद शहरवासियों में खुशी की लहर है। इसके तहत रायबरेली में भी वो सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी जो कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज को मिलती थी। इससे पानी, सड़क का ढांचा आदि प्रमुख चीजों में सुधार आएगा और लोगों को रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसी के तहत अगर यह पूरा खाका रायबरेली के लिए बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह हमारे रायबरेली में भी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस काम पे लगे हुए हैं और दिल्ली के तर्ज पे अब वो लखनऊ के आसपास जुड़े क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत SCR के गठन के बाद रायबरेली को भी इसमें शामिल किया गया है। वाकई यह खुशी की बात है अगर हमारा रायबरेली भी SCR के उसमें टच में आता है और उसकी सुविधाएं प्राप्त करता है तो यह खुशी की बात होगी। लोगों में कहीं ना कहीं काफी उत्साह भी है कि अगर हमारी रायबरेली को भी मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो उनका रोजगार भी बढ़ेगा। S7 आपको यह खबर दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा है क्योंकि हमारा रायबरेली अब विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि रायबरेली को इसमें शामिल किया जाएगा और मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं रायबरेली में भी मिलना शुरू हो पाएंगी। देखते रहिए S7 न्यूज, अपना शहर अपनी खबर। देखते रहिए S7 न्यूज, आपका अपना जर्नल।